नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है नतीजे आ चुके हैं, फाइनल सब कुछ हो चुका है, चुनाव की गणना रिजल्ट आ चुका है, समाप्त हो चुकी है गणना, अब फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। इस वीडियो के माध्यम से देखिए आप कौन कितने वोटों से जीता, किसको कितने वोट मिले हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री कौन रहा है पोजीशन में। चलिए शुरू करते हैं। सतना जिले की 7 विधानसभा सीटों की फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। सतना जिले में 7 विधानसभा सीट हैं, 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया, वहीं 2 पर कांग्रेस। लग तो रहा था कि 3 ले जाएगी कांग्रेस, लेकिन 2 पर ही सिमट कर रह गई है कांग्रेस पार्टी। 5 सीटें बीजेपी जीतती हुई सतना जिले की। सतना विधानसभा सीट से गाइस सबको हक्का बक्का करते हुए गणेश सिंह यहां से चुनाव हार गए हैं। सांसद रहते हुए उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और यहां कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीत गए हैं। 4041 वोटों से सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए हैं। गणेश सिंह को यहां पर 66597 वोट मिले हैं। वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा को 70638 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं बीएसपी के शिवा रत्नाकर, 33567 वोट इनको मिलते हैं। इस प्रकार से सांसद गणेश सिंह चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का। अगला अपडेट, मैहर विधानसभा सीट खूब चला है। मैहर विधानसभा सीट से बीजेपी के श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव जीत गए हैं, 76870 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के धर्मेश घई, 55476 वोट इनको मिले हैं। 21394 वोट से चुनाव जीत गए हैं श्रीकांत चतुर्वेदी। तीसरे स्थान पर बीएसपी के वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा रहे हैं, इनको 30732 वोट मिले हैं। चौथे स्थान पर विंध्य प्रदेश का दमखम भरने वाले नारायण त्रिपाठी, अलग पार्टी बनाई बीजेपी से, अलग होकर बगावती तेवर अपनाए, नारायण त्रिपाठी को 22692 वोट मिले हैं, चौथे स्थान पर खिसक गए। अगला अपडेट, चित्रकूट कांटे की टक्कर रहा है, जहां पर बहुत ही कांटे का टक्कर, कभी नीलांशु कभी सुरेंद्र सिंह गहरवार आगे पीछे होते रहे। यहां से बीजेपी के सुरेंद्र सिंह गहरवार चुनाव जीत गए हैं, 6670 वोट से चुनाव जीते हैं। नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी के हार चुके हैं, सुरेंद्र सिंह गहरवार को 58009 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नीलांशु को 51339 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर बीएसपी के सुभाष शर्मा रहे हैं, इनको 31797 वोट मिले हैं। अगला नागौद विधानसभा सीट चलते हैं, यहां पर नागेंद्र सिंह बीएसपी के यादवेंद्र सिंह से चुनाव जीत गए हैं, 17369 वोट बीएसपी के यादवेंद्र सिंह को, 53343 वोट। वहीं कांग्रेस पार्टी के रश्मि सिंह को 50282 वोट। अगला विधानसभा सीट रायगांव, यहां से बीजेपी के प्रतिमा बागरी चुनाव जीत गई हैं, 77626 वोट मिले हैं इनको, 36060 वोटों से चुनाव जीती हैं, बम्पर वोट बटोरे हैं इन्होंने, धुआंधार वोट पाया कांग्रेस पार्टी की। कल्पना वर्मा को इन्होंने 36060 वोटों से हराया है, कल्पना वर्मा को 41566 वोट मिले हैं। वहीं बीएसपी के देवराज अहिरवार को 27743 वोट मिले हैं। रामपुर बघेलान अगला विधानसभा सीट, यहां से बीजेपी के विक्रम सिंह चुनाव जीत गए हैं, 85287 वोट मिले हैं, 22581 वोटों से चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी के रमाशंकर प्यासी से। वहीं तीसरे स्थान रमाशंकर प्यासी को 62706 वोट मिले हैं, बीएसपी के मणिराज सिंह को 38113 वोट मिले हैं तीसरे स्थान पर। आखिरी विधानसभा सीट है अमरपाटन, यहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र कुमार सिंह 80949 वोट, बीजेपी के राम खिलावन पटेल को 74459 वोट, 6490 वोट से कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र कुमार सिंह चुनाव जीत गए हैं। तीसरे स्थान पर बीएसपी छगनलाल कोल, इनको मिलते हैं 21317 वोट। गाइस एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इन विधानसभा सीटों में खासकर सत्ता की विधानसभा सीटों से बम्पर वोटों से चुनाव जीता गया है, कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो, बम्पर वोटों से चुनाव जीते हैं। एक चित्रकूट विधानसभा सीट को छोड़ दीजिए, बाकी और सतना, बाकी की 5 विधानसभा सीटों में बहुत ज्यादा फासला बढ़ गया है। ज्यादा अंतर से कौन जीता है, सबसे ज्यादा अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है सतना जिले की विधानसभा सीट रायगांव की प्रतिमा बागरी ने,
77,626 वोट, वहीं कांग्रेस की कल्पना वर्मा को 41,566 वोट, 36,060 वोटों से जीती हैं प्रतिमा बागरी। बहुत ज्यादा वोट होते हैं ये, हो सकता है मंत्रालय में जगह मिले इनको। वहीं रामपुर बघेलान से भी बीजेपी के विक्रम सिंह 22,581 वोटों से जीते हैं, ये भी बहुत ज्यादा आंकड़ा हो गया है। वहीं मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी 21,394 वोट, बहुत वोटों से चुनाव जीते हैं गाइस। नागौर से नागेंद्र सिंह 17,369 वोट, सबसे कम जो आंकड़े से चुनाव जीता गया है ना वो है सतना विधानसभा सीट, यहां से 4,041 वोट से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीते हैं। दूसरे नंबर चित्रकूट विधानसभा सीट, यहां पर 6,670 वोट से सुरेंद्र सिंह गहरवार चुनाव जीते हैं। इस तरीके से सतना जिले की 7 विधानसभा सीटों में 5 पर बीजेपी, वहीं 2 पर कांग्रेस अपना झंडा गाड़ते हुए। ठीक है गाइस, आपने देख लिया पूरा कौन कितने वोट किसको मिले हैं, कितने वोटों से कौन जीता है। ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये बिल्कुल भी फ्री है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भी लेटेस्ट आपको जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर। मैं अक्सर करके वीडियोज बनाता हूँ अर्निंग से रिलेटेड, पैसा कैसे कमाया जाए, किस तरीके से पैसा आपको घर बैठे पैसा मिले, इस तरीके की वीडियोस मैं डालता हूं। आगे बने रहिए चैनल पर, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।